हाँ जी, तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक्सेल ऑनलाइन सर्वे, जो कि सर्वे के हिसाब से पैसा देता है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे कि क्या प्रोसेस है और कितना पैसा देता है एक सर्वे का, क्या क्या होता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ऑनलाइन सर्वे में इसका साइट खुल चुका है, तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर करेंगे इसके लिए। तो रजिस्टर के लिए देखिए ऑप्शन दे रहा है, ऐप भी, मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका, लेकिन हम तो ऑनलाइन ही करेंगे इसमें। मोबाइल ऐप नहीं, पहले ऑनलाइन रिव्यू करके देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तभी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसको डाउनलोड करें कि ना करें। तो साइन अप करेंगे, सबसे पहले अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है। ईमेल, मोबाइल नंबर डाल के और पासवर्ड बनाएंगे एक, ये पासवर्ड भी डाल दिए हम, और रजिस्टर करेंगे। तो हाँ, रजिस्टर देखिए OTP आया है मोबाइल पे भी और जीमेल पे भी, तो दोनों OTP डाल लेना है। और दोनों OTP डाल के उसके बाद एक्टिवेट करेंगे अपने अकाउंट को। पहले मोबाइल वाला OTP डालेंगे, तो इसका हम रिव्यू इसलिए करेंगे, क्या है, क्योंकि बहुत साला सर्वे वाला जितना है ना, झूठ मूठ का ऐसे ही यूट्यूब पर डाल देता है कि इतना पैसा कमाओ, 2,000 कमाओ एक घंटे में, 3,000 कमाओ, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। क्योंकि आप 2,000 एक महीने में भी नहीं कमा सकते हैं सर्वे में। अगर इसका भी हम एक वीडियो में देख रहे थे, साला थंबनेल लगाया था, एक घंटे में 2,000 कमा लो रोज़ की रोज़, तो एक घंटे में 2,000 कमाना कोई खेल थोड़ी है। तो हम देखते हैं कि कितना पैसा देता है सर्वे के हिसाब से। तो पहले तो रजिस्टर वाला ये जो है तो करके देखते हैं हम, और उसके बाद ही आपको सजेस्ट करेंगे कि इसको डाउनलोड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, क्योंकि फालतू में टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। एंचो तो अगर पैसा देगा तब सही है, नहीं देगा तो फिर तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे। ऐसे ही दो तीन वेबसाइट का हम सर्वे किए हैं, आप देख सकते हैं मेरे मतलब वीडियोस में खोल के। तो उन लोग को उतना खास हमको लगा नहीं कुछ। ये अपना एड्रेस डाल लेना है, पिन कोड डालना है, और पिन कोड डाल के और आगे बढ़ना है। तो फिनिश करेंगे इसको, सब कुछ हो गया है। अब देखिए फर्स्ट सर्वे, गेट स्टार्टेड पर करेंगे हम लोग क्लिक। 15 पॉइंट तो ऐसे ही ज्वाइनिंग का दिया है, और हमको मतलब सुने हैं कि इसमें 100 पॉइंट होता है तो आप रिडीम कर सकते हैं, मतलब 1 पॉइंट का 1 रुपया है के हिसाब से देता है। तो देख लेते हैं क्या रियलिटी है इसका, और 100 पॉइंट करने में कितना टाइम लग सकता है हमको, ये बताएंगे आपको पहले ही, क्योंकि आप अपना टाइम आपका बर्बाद ना हो इसलिए पहले ही मैं रिव्यू करके आपको बता दे रहे हैं। तो पहला सर्वे जो है स्टार्टिंग वाला, वो हम कर लेते हैं पूरा। तो ये पूछ रहा है एंड इन कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये उटपटांग सा कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको प्रेफर नोट टू से कहेंगे, मतलब कोई आपको बीमारी है या आपके परिवार में कोई बीमारी है ये पूछ रहा है। तो हमको तो बीमारी कुछ है नहीं, तो नो करके इसमें किए हैं, आगे बढ़े हैं। आगे देखते हैं कि कैसा कैसा सर्वे दे रहा है ये, और कितना पॉइंट दे रहा है एक पॉइंट एक सर्वे का। पहला सर्वे है 15 मिनट लगेगा, 50 पॉइंट देगा, इसको हम करेंगे स्टार्ट, और इसी से हम लोग का रियलिटी इसका पता चल जाएगा कि क्या है, सही है कि झूठ है। क्योंकि बहुत मूर्ख बनाने वाला वीडियो बनाने वाले जो है ना यूट्यूब पे, साला चूतिए बना के थंबनेल में लिख देते हैं एक घंटे में 2,000 कमा लो सर्वे का वर्क करके, जो कि रियलिटी होता नहीं है। बेंचो ऐसे ही चूतिया बनाते हैं आदमी लोग को। उसका वीडियो भी देख लेते हैं पूरा, और इसको ID वगैरह सर्वे करने में भी टाइम बर्बाद कर देते हैं, पैसा लौड़ा मिलता नहीं है कुछ। तो अनएम्प्लॉयड में हम डालेंगे, क्योंकि हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं अभी। तो ये पूछ रहा है कि आपने कोई कार वगैरह या कुछ भी ख़रीदा होगा, तो इसमें से जो जो हम ख़रीदे हैं वो डालते हैं, उसको डाल के आगे बढ़ेंगे। सीलिंग फैन लिए हैं मतलब कुछ भी जो भी आप लिए हैं ना आपके घर में जो भी है वो डालना है। फ्रिज भी है, दो ही डालते हैं हम, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डालेंगे, आप लोग जो है वो डालना है, लेकिन सही सही डालना, क्योंकि आगे चल के अगर गलत डालिएगा ना तो फिर जो होता है ना बैन कर देता है सर्वे वाला। क्योंकि किसी सर्वे में आपने अनएम्प्लॉयड डाला, किसी में एम्प्लॉयड डाल दिया ना, तो समझ लेगा कि चूतिया बना रहा है, तो वो बैन कर देता है और आगे से सर्वे नहीं देगा आपको। तो ये पूछ रहा है आपके घर में कोई 18 से कम का चिल्ड्रेन है। तो और अगला है, हैव यू टेकन एनी द फॉलोइंग ट्रिप्स, मतलब कोई आप यात्रा किए होंगे इंटरनेशनल या नेशनल, वो पूछ रहा है, तो उसके बारे में बताना है। तो उसको डाल के आगे बढ़ना है, अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल को यात्रा किए होंगे लास्ट 1 ईयर के अंदर। तो डोमेस्टिक लेवल पे तो किया है, इंटरनेशनल लेवल पर यात्रा नहीं किया है।
तो हम डोमेस्टिक लेवल पर डालेंगे कि पढ़ाई से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड गए हैं, तो डोमेस्टिक लेवल पर लेज़र करके हम करेंगे इसको। तो देखिए अभी तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, तो डोमेस्टिक लेवल पर ही डालेंगे, ज़्यादा आगे इंटरनेशनल लेवल पर करके नहीं देखना हमको। सर्वे हम वाला पूरा कर दिए हैं, आगे हम आपको बताएंगे इसका रियलिटी। वो सर्वे पूरा कर चुके हैं, इतना टाइम नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा सर्वे था 15 मिनट का, तो उसको करने से हमको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। वो सर्वे ऐसे ही साला झूठ चुतिया बना दिया हमको, और आगे चल के लिख दिया कि आपका सर्वे गलत है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका रियलिटी अब, कि साला ये हमको सर्वे दिया लेकिन सर्वे पूरा हुआ नहीं, तो दूसरा सर्वे करके हम चेक करते थे। आइए अब देखते हैं इसका रियलिटी, पैसा देगा कि नहीं देगा, कि ऐसे ही हम लोग को बना रहे चुतिया ये। तो ये अनलॉक सर्वे करने के लिए हमको अपना प्रोफाइल सही करना पड़ेगा इसके लिए, तो चलिए एग्री करके इसको भी कर देते हैं। ये पूछ रहा है 46 से पहले 45 आता है, तो फिर 45 से पहले क्या आएगा? तो सिंपल से बात है, 44 आएगा। आसान आसान सर्वे से लाए, हम तो कहेंगे ना ये सर्वे वाला वर्क ही गलत है। देखिए डेट ऑफ क्या पूछ रहा है, ईयर ऑफ बर्थ, किस साल में जन्म लिए। ये पूछ रहा है इंग्लिश के अलावा कौन सा भाषा में आप सर्वे करना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश के अलावा हिंदी में करना चाहते हैं, तो हिंदी डालेंगे सिंपल सा। तो हिंदी डाल के आगे बढ़ेंगे, अपना जेंडर चुनना है और पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड डालेंगे और इसमें अपना लोकेशन चूज़ कर लेना है, कहाँ से है क्या है। इतना पोस्टल कोड में बहुत सारा गांव आ जाता है, अपना गांव चुन लेना है सिंपल सा, और गांव चुन के और आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद देखेंगे कि सच में अगर पैसा देता है कि नहीं देता है। अब पूछ रहा है कि मैरिटल स्टेटस, मेरा शादी हुआ नहीं है। हाँ मैंने चिल्ड्रन से है, मेरा बहन चाहे शादी हुआ ही नहीं, तो बहन चिल्ड्रन कहाँ से आ जाएगा रे। अब पूछ रहा है कितना पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ लिया है, तो वो डालेंगे इसमें और आगे बढ़ेंगे। और इसमें पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसको बार बार एक ही चीज़ घुमा घुमा कर पूछता है, तो हम अभी वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसमें डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी एरिया क्या है जॉब के लिए, आप किस क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो इसको तो पहले ही हम बोल दिए हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, फिर भी ये पूछ रहा है, घुमा के दिमाग ख़राब कर रहा है। तो मार्केटिंग डालेंगे, मार्केटिंग में दिलचस्पी है हमको। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे, ये पूछ रहा है एशियन है कि ब्लैक है कि गोरा है कि काला है। अब पूछ रहा है हाउस होल्ड इनकम, 50,000 के अंदर डालेंगे, 50,000 से ऊपर इनकम नहीं है। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। अरे साल आई, जब हम इसको बोल दिए कि अनएम्प्लॉयड है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या है पूछ रहा है यार। प्रीफर नोट टू सेल करेंगे इसमें, क्योंकि सेल्स स्टाफ हम डालेंगे। हाँ सेल्फ, और हाउ मैनी एम्प्लॉयज वर्क, अल्लाह इसको जब बोल रहे हैं कि अभी अनएम्प्लॉयड है तो कितना है क्या है, हम पूछ रहा है फालतू का क्वेश्चन। ये कंप्लीट किए हैं और देखिए हमको कुछ पॉइंट, 0 पॉइंट साला दिया है चूतिया। तो ये सब चूतिया बनाने के लिए है आदमी को, टाइम झूठ मूठ का बर्बाद होगा आपके इस सब पर। और आगे देखिए ना, आपको हम इसका पूरा रियलिटी ही बता देंगे आज, जो है ना एक्सेल ऑनलाइन सर्वे। और ऐसे ऐसे बहुत सारा सर्वे वाला खोल दिया झूठ मूठ का, उस पर टाइम बर्बाद कीजिएगा, कुछ देगा नहीं पैसा वैसा, ऐसे ही नौटंकी बना के रख लिया है सब। उस पर वर्क कीजिए, खुद पैसा कमाएगा, दूसरा को पैसा देगा, बहुत देता है, ऐसा नहीं है कि देता नहीं है, पैसा देता है लेकिन बहुत ही लिमिट, मतलब लिमिटेड पैसा देता है। क्योंकि आप एक महीने अगर काम कीजिएगा लगातार, तो शायद हो सकता है कि 2-3 हज़ार रुपये कमा लीजिएगा इससे, तो उतना किसके पास टाइम है यार, 1-2 हज़ार के लिए एक महीना कौन काम करेगा इस पर। अब देखिए ना, रिडीम इसको करने के लिए 15 पॉइंट है मेरे पास, 10 पॉइंट रिडीम करके देखते हैं। 10 पॉइंट प्रोसेसिंग फीस -2 पॉइंट ले रहा है, मतलब 0.2 पॉइंट। तो पेटीएम नंबर डाल के आप रिडीम भी कर सकते हैं इसमें, 10 रुपये आ जाएगा आपको, और आ जाएगा 10 रुपये। ये प्रोसेसिंग फी ऑफ 2% विल बी एप्लीकेबल ऑन द पॉइंट। और इसको किए देखिए, कुछ नहीं हुआ, रिडीम किए सीधे हमको होम पेज पे भेज दिया। फिर दूसरा सर्वे देखते हैं स्टार्ट करके, अब क्या बोल रहा है ये, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये टाइम का बर्बादी है मात्र और कुछ नहीं है। हम यही सजेस्ट करेंगे कि सर्वे वर्वे का चक्कर छोड़ दीजिए, ये सब पैसा देगा लेकिन बहुत लिमिटेड देगा। देखिए क्या हुआ, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस सर्वे। अब ये क्या लिख रहा है, हम क्वालिफाइड नहीं है। इसका सारा क्वेश्चन का सही सही जवाब दिया, फिर भी लिख रहा है
कि आप सर्वे के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। तो अब कैसा चाहिए इसको यार, मतलब कि इतना मेहनत किए 15 मिनट, ऊपर से लिख रहा है कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं, तो ये तो चूतिया ही बना रहा है आदमी को, और कुछ नहीं है। दूसरे सर्वे पे देखेंगे तो